नवनियुक्त राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने ली राज्यपाल की शपथ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन समेत कई राजनेता हुए शामिल। रांची में G20 शिखर सम्मेलन को लेकर लाइजन अधिकारियों की हुई ब्रीफिंग। वरिष्ठ अधिकारियों ने डेलीगेट्स के सहयोग के लिए दिए कई अहम सुझाव। वन्य जीव संरक्षण के इतिहास में आज जुड़ा एक और अध्याय। दक्षिण अफ्रीका से 12 चीता का दूसरा जत्था पहुंचा ग्वालियर। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में बढ़ेगी चीतों की संख्या। और झारखंड समेत देशभर में महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की आराधना में जुटे श्रद्धालु। बाबा नगरी देवघर और रांची समेत विभिन्न स्थानों पर शिव बारात का होगा आयोजन। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं सरोज झा। आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार गरीबों के सशक्तिकरण पर ध्यान दे रही है ताकि वे राष्ट्रीय विकास में अपना योगदान कर सकें। नई दिल्ली में कल इकोनॉमिक टाइम्स ग्लोबल बिजनेस समिट को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने पिछले 9 वर्षों में 3 करोड़ गरीब परिवारों को पक्के घर दिए। ये गरीबों के उत्थान के लिए सरकार के समर्पण को दर्शाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के तेजी से विकास के लिए बेहतर बुनियादी ढांचे की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इसके लिए सरकार ने बुनियादी ढांचे के निर्माण से संबंधित नीति में विशेष परिवर्तन किए हैं। वादा के बाद केंद्र सरकार ने गरीबों के जीवन में बदलाव लाने और इंफ्रा बनाने के लिए री इमेजिनेशन किया। ईटी ग्लोबल बिजनेस समिट की थीम री इमेजिन बिजनेस, री इमेजिन द वर्ल्ड, ये थीम आपने रखी है। वैसे मुझे नहीं पता कि ये री इमेजिन वाली थीम सिर्फ दूसरों के लिए है या फिर ओपिनियन मेकर के लिए भी है। वो भी क्या लागू करेंगे? हमारे यहां तो अधिकतर ओपिनियन मेकर्स हर 6 महीने में एक ही प्रोडक्ट के रीलॉन्च रीलॉन्च उसमें बिजी रहते हैं। और इस रीलॉन्च में भी वो री इमेजिनेशन नहीं करते। इससे पहले राज्यपाल नवनियुक्त राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने आज झारखंड के 11वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली। झारखंड उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह ने राजभवन में आयोजित सादे समारोह में उन्हें शपथ दिलाया। शपथ ग्रहण में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन समेत कई राजनेता रहे। Chandrapuram Goswami Radhakrishnan, do swear in the name of God that I will faithfully execute, preserve, protect and defend the Constitution and the law. Preserve, protect and defend the Constitution and the law. And that I will devote myself to the service and well-being of the people of Jharkhand. And that I will devote myself to the service and well-being of the people of Jharkhand. For Haiti, we had the stage.
इससे पहले राज्यपाल सीपी राधा कृष्णन के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन आज रांची पहुंचे। रांची पहुंचने पर बिरसा मुंडा हवाई अड्डे पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय से जुड़ी विभिन्न इकाइयों के अधिकारियों और पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा को झारखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। इस संबंध में भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। जीएसटी परिषद की 49वीं बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण नई दिल्ली में जीएसटी परिषद की 49वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगी। इस बैठक में मोटे अनाजों वाले स्वास्थ्यवर्धक मिश्रणों समेत कुछ वस्तुओं पर कर की दरों में बदलाव पर विचार किया जाएगा। पान मसाला और गुटखा उद्योग में कर चोरी पर लगाम लगाने के लिए जीओएम की रिपोर्ट पर भी बैठक में विचार किया जा सकता है। बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री शामिल होंगे। ईडी ने विधायक खरीद फरोख्त मामले में एक बार फिर अरगोड़ा थाना प्रभारी विनोद कुमार को समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया है। उन्हें 23 फरवरी को रांची स्थित ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय में उपस्थित होने के लिए समन भेजा गया है। ईडी उनसे अरगोड़ा थाना में बेरमो विधायक कुमार जयमंगल द्वारा 31 जुलाई 2022 को दर्ज कराई गई जीरो एफआईआर के संबंध में पूछताछ करना चाहती है, जिसमें कुमार जयमंगल ने आरोप लगाया था कि विधायक इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन विक्सल कुणगाड़ी ने मिलकर हेमंत सोरेन को गिराने की कोशिश की। इससे पहले ईडी ने समन भेजकर उन्हें 10 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वे नहीं गए थे। कृषि शुल्क विधेयक के विरोध में राज्य के थोक व्यापारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल का असर आज चौथे दिन भी देखा जा रहा है। उधर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के पदाधिकारियों ने कल गिरिडीह के सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू से मुलाकात की और उन्हें मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। मौके पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सचिव राहुल बर्मन ने कहा कि झारखंड एक खनिज प्रधान राज्य है, यहां खाद्यान्न से आमदनी ना के बराबर होती है। उन्होंने कहा इस कानून के लागू होने से महंगाई बढ़ेगी। इस दौरान विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने चैम्बर के पदाधिकारियों और व्यवसायियों को आश्वासन देते हुए कहा कि वे इस मामले को मुख्यमंत्री तथा कृषि मंत्री के समक्ष रखेंगे। सरकार के मुखिया तक और सरकार के पदाधिकारियों तक हम लोग पहुंचाने का प्रयास करेंगे और ये जो गतिरोध चल रहा है झारखंड राज्य में, इस गतिरोध को समाप्ति की दिशा में सकारात्मक पहल। दक्षिण पूर्व रेलवे की टाटानगर हावड़ा मेल लाइन पर सालगाझोड़ी रेलवे स्टेशन के वेस्ट केबिन के समीप टाटानगर की ओर से आ रही एक मालगाड़ी आज सवेरे पटरी हो गई और हावड़ा की ओर से आ रही एक अन्य मालगाड़ी से टकरा गई। इसमें रेलवे की पटरी क्षतिग्रस्त हो गई और रेलवे को काफी नुकसान पहुंचा है। इस रेल हादसे के बाद इस रेल मार्ग पर फिलहाल रेल परिचालन ठप हो गया है। फिलहाल रेल ट्रैक को खाली कराने का प्रयास किया जा रहा है। वन्य जीवन संरक्षण के इतिहास में आज एक और अध्याय जुड़ गया है। दक्षिण अफ्रीका से 12 चीतों का दूसरा जत्था ग्वालियर पहुंचा। इन चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा जाएगा।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से तमिलनाडु के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगी। वे कोयम्बटूर में ईशा फाउंडेशन के महाशिवरात्रि समारोह में शामिल होंगी। उनके आयोजित महाशिवरात्रि समारोह में शामिल होंगी, साथ ही मदुरई स्थित मीनाक्षी अम्मन मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी। रविवार को राष्ट्रपति वेलिंगटन में डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज जाएंगी और 78वें स्टाफ कोर्स के सदस्यों को संबोधित करेंगी। झारखंड समेत देशभर में महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की आराधना में श्रद्धालु जुटे हैं। इधर बाबा नगरी देवघर और रांची समेत विभिन्न स्थानों पर आज भी श्री शिव बारात का आयोजन होगा। महाकाल के दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। यहां भस्म आरती की गई। शिव की नगरी वाराणसी में सुबह से ही विश्व विख्यात काशी विश्वनाथ मंदिर में भगवान शिव की आराधना के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ है। और अब खबरें जिलों से। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर मतगणना कर्मियों, मतगणना पर्यवेक्षकों, मतगणना सहायकों एवं मतगणना प्रेक्षकों का प्रथम रैंडमाइजेशन किया गया। इस दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त माधवी मिश्रा ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। हजारीबाग की उपायुक्त नैंसी सहाय ने साप्ताहिक जनता दरबार में जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से आए लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने संबंधित विभागों के पदाधिकारियों को समस्याओं के जल्द से जल्द निष्पादन का निर्देश दिया। पूर्वी सिंहभूम जिले के चाकुलिया अंचल के चंदनपुर में अवैध खनिज कारोबारियों के विरुद्ध अभियान चलाया गया। इस दौरान 2000 CFT अवैध बालू भंडारण पकड़ा गया। मौके से 3 हाईवा जब्त किए गए और इस कार्य में संलिप्त अज्ञात लोगों तथा वाहन चालक तथा मालिकों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई। बोकारो जिले के सभी प्रखंडों में विशेष दिव्यांग शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर में मेडिकल बोर्ड ऑन स्पॉट दिव्यांगजनों को दिव्यांगता प्रमाण पत्र निर्गत कर रही है। जिले के उपायुक्त ने दिव्यांगजनों से अपील की है कि वे शिविर में उपस्थित होकर प्रमाण पत्र प्राप्त करें। आतंकवाद निरोधी दस्ता ने रांची के JSCA क्रिकेट स्टेडियम में मॉक ड्रिल किया। IG अभियान सह पुलिस प्रवक्ता AV होमकर ने बताया कि रांची में प्रस्तावित G20 शिखर सम्मेलन की सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए ATS के कमांडो ने JSCA क्रिकेट स्टेडियम में मॉक ड्रिल किया। खूंटी जिले के अड़की थाना क्षेत्र से पुलिस ने मोबाइल चोरी के आरोप में 4 आरोपियों को पकड़कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। चारों आरोपियों ने पिछले दिनों एक दुकान से मोबाइल की चोरी की थी। बोकारो के उपायुक्त ने सेक्टर 4 स्थित मजदूर मैदान में लगे हथकरघा मेले का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मेले में लगे स्टॉल का जायजा लिया और बुनकरों कारीगरों से संवाद कर उन्हें प्रोत्साहित किया। कोडरमा के उपायुक्त ने कोडरमा एवं चंदवारा प्रखंड में क्रियान्वित योजनाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मनरेगा के तहत क्रियान्वित डोभा, TCB, बागवानी समेत अन्य योजनाओं का निरीक्षण कर आवश्यक निर्देश दिए। रांची जिले के तमाड़ थाना क्षेत्र के टाटा रांची मुख्य मार्ग पर दुआरसिनी मोड़ के समीप अज्ञात वाहन की चपेट में आने से 2 युवकों की मौत हो गई। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया है। देवघर के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने रात्रि निरीक्षण कर महाशिवरात्रि पर श्रद्धालुओं के सुगम और सुरक्षित जलार्पण हेतु जिला प्रशासन द्वारा की गई सारी व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने श्रद्धालुओं की सुरक्षा में एक्टिव रह कार्य करने का निर्देश दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 26 तारीख को मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने सुझाव भी देने का आग्रह किया है। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 26 फरवरी सुबह 11 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर
मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 26 फरवरी सुबह 11 बजे मन की बात। इधर देवघर स्थित बाबा मंदिर परिसर में भी महाशिवरात्रि को लेकर अहले सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। बोलबम के जय घोष और भगवान शंकर का जयकारा लगाते श्रद्धालु हाथ में जलपात्र लिए कतार में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। सुरक्षा की दृष्टि से जिला प्रशासन की ओर से बड़ी संख्या में जवानों और दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। धार्मिक मान्यता के अनुसार महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर पवित्र द्वादश ज्योतिर्लिंग में जलाभिषेक का खास महत्व है। से पहाड़ से जंगल से लाते हैं हम लोग बेलपत्र शिवरात्रि में भोलेनाथ को चढ़ाते हैं। भोलेनाथ इन्हीं से तो प्रसन्न रहते हैं। जय शिव जय शिव जय शिव जो है ये भोलेनाथ का त्रिनेत्र के बराबर समान है। बाबा बैद्यनाथ ये ज्योतिर्लिंग शक्तिपीठ क्षेत्र है और कहीं भी जहां भी शिव क्षेत्र है यह वार्षिक पूजा है। साल भर में एक महाशिवरात्रि महापर्व के रूप में होता है। यह नक्त व्रत है। जितने भी श्रद्धालु हैं शिव भक्त हैं और अन्य जितने भी सनातन धर्मी धर्मावलंबी हैं आज के दिन व्रत करते हैं उपवास करते हैं। नक्त व्रत दिन रात का यह व्रत होता है और सारा दिन तो पूजा करते ही है। खास करके जो है हमारे यहाँ बाबा बैद्यनाथ का यह चतुष्प्रहरीय पूजा होता है। चार प्रहर का पूजा होता है जो कि यहाँ के बाबा बैद्यनाथ मंदिर के महंत सरदार पंडा के द्वारा किया जाता है। और जो भी भक्त आज के दिन उपवास व्रत रुद्राभिषेक पूजन पाठ और भगवान का जो पंचाक्षर मंत्र जो है ओम नमः शिवाय उनका जो जाप करते हैं उनके नाम से जो बिल्वपत्र का अर्पण करते हैं वह भगवान अत्यंत प्रसन्न होकर के उनके मनोवांछित कार्य को पूर्ण करते हैं आशीर्वाद प्रदान करते हैं। उधर उपराजधानी दुमका के विश्व प्रसिद्ध बासुकीनाथ धाम में भी महाशिवरात्रि पर श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा। देश के विभिन्न हिस्सों से आए शिव भक्त बाबा का जलाभिषेक कर रहे हैं। दुमका में आज रात बाबा भोलेनाथ की बारात निकलेगी और गौरी महादेव का विवाह संपन्न होगा। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष चतुर्दशी के रात्रि में शिव विवाह उत्सव मनाया जाता है। पौराणिक ग्रंथों के मान्यताओं के अनुसार शिव विवाह चतुर्दशी फाल्गुन मास के तिथि में हुआ था, इसलिए इसको महाशिवरात्रि के रूप में इसका उत्सव मनाया जाता है। बाबा बासुकीनाथ के दरबार में श्रद्धालुओं की काफ़ी भीड़ हो रही है। इसका मुख्य कारण है आज महाशिवरात्रि का पर्व है, त्यौहार है। जो भी भक्त श्रद्धालु अपने सच्चे हृदय मन से महाशिवरात्रि का त्यौहार करते हैं बाबा उनकी इच्छा अवश्य पूर्ण करते हैं। इसकी महिमा पुराणों में है, शिव पुराणों में है, अनेक ग्रंथ कथाओं में इसकी चर्चा है। इसलिए हम लोग भी पंडा धर्मरक्षिणी सभा और आगंतुक तीर्थयात्री जिला प्रशासन सब मिल करके आज त्यौहार रखे हैं। अब बाबा का भव्य आयोजन रात्रि में झांकी निकाला जाएगा, हाथी के साथ बारात आएगी। इधर नागा साधुओं ने पूर्वी सिंहभूम जिले के सोनारी दो मुहानी तट पर शाही स्नान किया जिसमें राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने भी शिरकत की। इस दौरान श्री गुप्ता ने राज्य के सुख शांति और समृद्धि की कामना की। बाबा, सब कोई बोलिएगा हरिओम ओम अद्य मासा नाम मास उत्तमे मासे आसरे। अगरबत्ती दीपक लाइए, अगरबत्ती दीपक लाइए, लड्डू है मिलेगा लड्डू, छोड़िए वो सब छोड़िए, ये हो जाएगा क्या पंडित। नहीं नहीं स्टेपनी चाहिए। शिवरात्रि का महत्व ये है कि जो भी जो है व्यक्ति जो है
शंकर भगवान का जो है रात्रि में चारों पहर में जो है भगवान का हरेक पहर में शिव का जो पूजा करता है उसको जो है भगवान जो है उनका उनका कृपा प्राप्त होता है और जो है वो मनुष्य जो है धन हो जाता है जो चारों पहर में पूजा करता है। चारों पहर में पूजा करने का मतलब है कि हरेक पहर में जो है ब्राह्मण उनको पूजा कराता है यजमान को और एक पहर का जो है अपना दक्षिणा दान देते हैं, फिर दूसरा पहर होता है, फिर तीसरा पहर होता है, फिर चौथा पहर में जो है भगवान का जो है विसर्जन करके जो है उनको आरती मंगल करके जो है और उनको अर्चना किया जाता है। राजधानी रांची राज्य भर में एक दो दिनों से न्यूनतम तापमान में वृद्धि होती दिख रही है जिससे ठंड में कमी आ गई है। राज्य के सभी जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो गया है। पिछले 24 घंटे के दौरान चाईबासा का अधिकतम तापमान 30.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जबकि गढ़वा में 10.7 डिग्री दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान में वृद्धि का यह सिलसिला अगले 3 दिनों तक जारी रह सकता है। कुछ इलाकों में आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। रांची के खेलगांव में चल रहे 3 दिवसीय सांसद खेल महोत्सव का आज दूसरा दिन है। केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी और केंद्रीय खेल राज्य मंत्री निशित प्रमाणिक ने कल इसका विधिवत उद्घाटन करते हुए खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया और उन्हें शुभकामनाएं दी। श्री प्रमाणिक ने कहा कि खेलो इंडिया सेंटर के विस्तार की योजना है। ऑस्ट्रेलिया के साथ दिल्ली क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन आज भारत बिना किसी नुकसान के 21 रन से आगे खेलना शुरू किया। ताजा समाचार मिलने तक भारतीय खिलाड़ी दूसरी पारी में 4 विकेट के नुकसान पर 95 रन बना लिए हैं। इनमें राहुल शर्मा ने 32 रन बनाए जबकि केएल राहुल ने 17 रन का योगदान दिया। विराट कोहली 18 और रविन्द्र जडेजा 21 रन बनाकर क्विज पर डटे हैं। राज्य के सुदूरवर्ती और नक्सल प्रभावित इलाकों में भी लोगों को बैंकिंग सुविधा प्रदान करने के लिए बैंकों की शाखाएं खोली जा रही हैं। कोडरमा के सुदूरवर्ती परहो में बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा का उद्घाटन किया गया। राज्य की पूर्व शिक्षा मंत्री और कोडरमा विधायक डॉ नीरा यादव ने बिहार झारखंड के सीमावर्ती क्षेत्र में जंगली क्षेत्र के बीच अवस्थित पारहो में बैंक ऑफ बड़ौदा की पहली शाखा का उद्घाटन किया। इससे पहले इस सुदूरवर्ती क्षेत्र में बैंक शाखा नहीं रहने की वजह से लोगों को तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर दुर्गम रास्तों का सफर करना पड़ता था। बहुत अच्छी बात है, आप सुदूरवर्ती क्षेत्र में भी हर एक प्रकार की सुविधा, तो निश्चित रूप से यहाँ हमारे अभिभावकों को जिस प्रकार से सुविधा होगी, हमारे युवा भाई बहनों को रोजगार मिलेगा, वैसे ही हमारे बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए भी आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। इस बैंक के खुल जाने से डोमचांच प्रखंड के डोडा कोला, सपही, पारहो और जौनपुर समेत बिहार के रजौली प्रखंड के कई गांव को भी इससे लभ होगा। 20 वर्षों से चला आ रहे थे और हम लोग जंगल झाल में रह करके और जो परेशानी होती थी भाड़ा किराया, एक तो रोड खराब और एक तो बैंक आ गया, आज के दिन में बहुत खुशहाली की बात है। हमको लगता है कम से कम 20 साल से डिमांड है। इस मौके पर बैंक ऑफ बड़ौदा के डिप्टी रीजनल मैनेजर गौतम पाल ने बताया कि पिछले एक महीने में राज्य के 3 सुदूरवर्ती इलाकों में बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा खोली गई है। ये बैंकिंग सुविधा यहाँ के लोगों को मिले इसलिए हम लोगों ने ये शाखा खोला है और उम्मीद करते हैं कि यहाँ के लोगों को इससे फायदा होगा और जो ये सुविधा लेने के लिए उनको 20-22 किलोमीटर दूर तक जाना पड़ता था वो जाने की जरूरत अब नहीं महसूस होगी। पारहो और आसपास के गांव के लोग आज से पहले बैंकिंग सुविधा से महरूम रहते थे लेकिन अब उनके गांव में ही बैंक की शाखा खुल जाने से न सिर्फ लोगों की परेशानी दूर हुई है बल्कि इस क्षेत्र के इससे आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। साथ ही पेंशन, ऋण और दूसरे सरकारी योजनाओं का लाभ भी लोगों को इस नजदीकी बैंक शाखा में मिल सकेगा। कोडरमा से गजेंद्र बिहारी सिन्हा की रिपोर्ट। केंद्र सरकार नागरिकों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए पारंपरिक और आधुनिक चिकित्सा पद्धति पर जोर दे रही है। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में एकीकृत चिकित्सा केंद्र की शुरुआत की गई है। स्वस्थ जीवन सभी के लिए महत्वपूर्ण है।
स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए आवश्यक है बीमारियों से बचाव और स्वस्थ जीवन शैली अपनाना। किसी बीमारी से प्रभावित होने पर उसका सही इलाज होना चाहिए। पारंपरिक और आधुनिक चिकित्सा पद्धतियाँ दोनों ही स्वास्थ्य और कल्याण को बेहतर अवसर प्रदान करने में सहायक हैं। सफदरजंग अस्पताल में हाल ही में एकीकृत चिकित्सा केंद्र शुरू किया गया है। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने संयुक्त रूप से सफदरजंग अस्पताल नई दिल्ली में एकीकृत चिकित्सा विभाग का उद्घाटन किया। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बीमारियों के इलाज के लिए एकीकृत दृष्टिकोण को बढ़ावा देने को महत्वपूर्ण बताया। इस इंटीग्रेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन की जो विभाग, इस विभाग में भविष्य में पेशेंट के विशेष रूप से ख्याल रखा जाएगा और योगा, आयुर्वेदा और एलोपैथी तीनों को साथ मिलाकर इस व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने ये मन बनाए हैं और उसी हिसाब से सारी व्यवस्था को आगे बढ़ाया जाएगा। समग्र स्वास्थ्य के लिए आयुष का आधुनिक चिकित्सा के साथ एकीकरण एकीकृत चिकित्सा है। एकीकृत चिकित्सा का उद्देश्य एलोपैथी में आधुनिक प्रगति का उपयोग करने के साथ भारत की समृद्ध विरासत और चिकित्सा ज्ञान की क्षमता का उपयोग करना है। सफदरजंग अस्पताल के इस विशेष केंद्र में अब एलोपैथी के अलावा मरीज आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति से भी अपना इलाज करवा सकेंगे। भारत सरकार ने बहुत अच्छा कदम शुरुआत की है और मैं धन्यवाद दूंगा हमारे मंत्री जी का, मनसुख मांडविया जी और आयुष मंत्री जी श्री सोनोवाल जी का। हमारा जो इंटीग्रेटिव मेडिसिन है उसका उद्घाटन किया गया और हमारे जो पेशेंट्स हैं जो सफदरजंग इलाज के लिए आते हैं वो साथ साथ आयुर्वेदता पद्धति के हिसाब से भी इलाज करा पाएंगे। मुझे लगता है कि इससे हमारे रोगियों को बेनिफिट होगा, नंबर ऑफ विजिट अस्पताल के अंदर घटेगी और पेशेंट्स को एक कोलैबोरेटिव और कॉम्प्लीमेंट्री इलाज मिलेगा जो हमारे रोगियों के लिए बहुत लाभदायक है। ये एकीकृत चिकित्सा विभाग नागरिकों को बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए चिकित्सा की पारंपरिक और आधुनिक प्रणालियों के बीच सहयोग को आगे बढ़ाएगा। इससे रोगी इलाज के लिए पारंपरिक और आधुनिक चिकित्सा का लाभ एक ही स्थान पर प्राप्त कर सकेंगे। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। प्लास्टिक और धातुओं के बढ़ते वर्चस्व के बाद भी परंपरागत बेंत के बने सामानों ने आज भी अपनी पहचान नहीं खोई है। रांची का एक परिवार तीन पीढ़ियों से बेंत तराश रहा है। कला इन्हें विरासत में मिली है। संतोष बताते हैं कि अंडमान, आसाम और केरल जैसे प्रदेशों से बेंत मंगाए जाते हैं। इन बेतों पर जब इनके हाथों का जादू चलता है तो लोग इसकी तारीफ किए बिना रह नहीं पाते और बेंत की यह कलाकृतियां कई घरों की शोभा बन जाती है। यहाँ के लोग पसंद करते हैं, शुरू से पसंद करते हैं, काहे कि यह बहुत आरामदेह होता है, घुलता सड़ता नहीं है और मजबूती का कहना नहीं, और ठीक ठाक रिस्पॉन्स है। कस्टमर रांची का बहुत लोग जानते हैं हमारे दुकान के बारे में, ये दुकान बहुत पुराना है और बहुत लोग पसंद करते हैं। संतोष का वर्कशॉप आज कई दूसरे लोगों को भी रोजगार दे रहा है। पिछले 25 वर्षों से यहाँ काम कर रहे सुरेंद्र बताते हैं कि जब खरीदार उनकी कला की तारीफ करते हैं तो उन्हें अजीब सी खुशी मिलती है। सब सुंदर बनाते हैं, लोग देखते हैं तो उन्हें अच्छा लगता है कि सामने माल बन रहा है, बढ़िया माल बन रहा है, इसकी वजह से बहुत से ऐसा कस्टमर। और आखिर में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। नव नियुक्त राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने ली राज्यपाल की शपथ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन समेत कई राजनेता हुए शामिल। रांची में G20 शिखर सम्मेलन को लेकर लाइजन अधिकारियों की हुई ब्रीफिंग। वरिष्ठ अधिकारियों ने डेलीगेट्स के सहयोग के लिए दिए कई अहम सुझाव। वन्य जीव संरक्षण के इतिहास में आज जुड़ा एक और अध्याय। दक्षिण अफ्रीका से 12 चीता का दूसरा